ये मनुवादी मीडिया, ये समंतवादी मीडिया, ये ब्राह्मणवादी मीडिया, ये स्वर्ण मीडिया को कभी नहीं दिखाई देगा। उनके आंख फूट जाते हैं, उनके कैमरे टूट जाते हैं, उनके कान बहरे हो जाते हैं, उनके पेन के स्याही है वो सूख जाता है। लास्ट के एक मैच में हार गए, पिच खराब था, इसको आप जवाब दे ही नहीं कहिएगा। ये अमित शाह के बेटा जय शाह को नहीं दिखाई दिया कि आप अहमदाबाद स्टेडियम में क्यों मैच खेले। टेस्ट में अगर बच्चा पास कर जाए और फाइनल में जाकर फेल कर जाए तो उसको फेल ही ना कहा जाए। 13 बार में 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, यानी आधा बार जो जीता है उसके पास ये ताकत है। डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोई आदमी आएगा तो क्या वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल लेगा क्या? कि जो आदमी रेल बेच सकता है, भेल बेच सकता है, सेल बेच सकता है, देश का सारा संपत्ति बेच सकता है, स्टेशन प्लेटफॉर्म और निजीकरण सारा कुछ कर रहा हो तो हो सकता है। आप कह रहे हैं कि पिच खराब था, उसी पिच में तो ऑस्ट्रेलिया भी, ये मीडिया उठा रहा है। कौन मीडिया उठा रहा है? वही मीडिया जब ये कैप्टन बनते हैं तो मात्र 2 मीडिया पहुंचता है। कोई आदमी 80 रन मार रहा है 200 के स्ट्राइक रेट से, 190 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है तो ये कम बातें हैं। ओबीसी समाज और बैकवर्ड कम्युनिटी के कोई भी बच्चा चाहे किसी भी फील्ड में कितना भी अच्छा कर ले, ये मनुवादी मीडिया, ये समंतवादी मीडिया, ये ब्राह्मणवादी मीडिया, ये स्वर्ण मीडिया लिखेंगे फाइनल में सूर्य कुमार यादव ने क्या अच्छा खेला। 100 गेंद खेले, आप 11 मैच का बात उठा करके देखिएगा तो 105 गेंद खेले, 105 गेंद में 106 रन मारना क्या कम है क्या? ठीक है, लेकिन उस दिन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उससे अच्छा ईशान किशन रहते तो। ओडीआई को छोड़ दीजिए, T20 में देख लीजिए, भारत का सबसे खतरनाक बल्लेबाज में, यहाँ तक कि जो रिकी पोंटिंग है और ग्लेन मैक्सवेल है वे लोग भी कहते हैं, वो ऐसे ही नहीं बोल दिया कि हम इन सारे दर्शकों का मुंह बंद करके जाएंगे और बंद करके गया। कामयाबी पैरों के नीचे होती है, उन्होंने साबित कर दिया। तो फेल हो गए, शुभनम गिल का नाम नहीं लीजिएगा आप। वर्ल्ड कप 2023 जब से भारत हारा है तब से लोग तरह तरह के बयानबाजी कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि रोहित शर्मा ने अच्छा नहीं खेला, तो कोई कह रहा है शमी का जो प्रदर्शन था वो अच्छा नहीं था, तो इनफैक्ट कोई लोग कह रहे हैं कि सूर्या कुमार यादव को जिस उम्मीद से उतारा गया था उस उम्मीद पे वो खड़े नहीं उतरे, वो T20 के लायक ही सही थे, वर्ल्ड कप खेलने के लायक सही नहीं थे, उनका चयन ही गलत था। लेकिन BCCI इसके बावजूद भी BCCI ने उसे T20 का कैप्टन चुन लिया। कैप्टन चुनने के बाद क्या कुछ हुआ आप देखते हैं। लगातार सूर्य कुमार यादव को ट्रॉल किया ही जा रहा था, इसी बीच ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का T20 का पहला मैच होता है और सूर्य कुमार यादव शानदार पारी खेलते हुए 42 गेंद में 80 रन बनाते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पब्लिक स्टेशन के केशव जी हैं, जानते हैं कि इनकी क्या राय है कि सूर्य कुमार यादव वाकई T20 के ही लायक है या फिर वर्ल्ड कप के लायक भी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल ये है कि सूर्य कुमार यादव को अगर ये जो लोग कह रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव अच्छा से नहीं चल रहे हैं, वो वनडे के लायक नहीं है, तो आप जा करके देखिए कि सूर्य कुमार यादव टोटल गेंद कितना खेले हैं। 105 गेंद खेल करके 106 रन मारे हैं, 100 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है जिस आदमी का, उस हिसाब से आप आंकड़ा उठाइएगा तो बहुत सारे ODI के ऐसे प्लेयर हैं जो सबसे कम, मतलब कि कहा जाए तो सबसे कम रन मारे हैं और सबसे ज़्यादा गेंद खेले हैं, तो उस तरह का भी रिकॉर्ड भारत के बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, आप एक आदमी को नहीं कह सकते हैं। और सवाल ये भी है कि आखिर में सूर्य यादव को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, शमी को ही लास्ट गेम, मतलब कि जो लास्ट गेम हुआ है फाइनल, तो फाइनल में कहा जा रहा है कि इन्होंने विकेट नहीं लिया। भाई हमारा जो देश है इसने 10-10 मैच जीता, आप कैसे कह सकते कि इंडिया ने अच्छा नहीं खेला? बहुत अच्छा खेला है। और रहा बात सूर्य कुमार यादव को लेकर के, तो ओबीसी समाज और बैकवर्ड कम्युनिटी के कोई भी बच्चा चाहे किसी भी फील्ड में कितना भी अच्छा कर ले, ये मनुवादी मीडिया, ये समंतवादी मीडिया, ये ब्राह्मणवादी मीडिया, ये स्वर्ण मीडिया को कभी नहीं दिखाई देगा। उनके आंख फूट जाते हैं, उनके कैमरे टूट जाते हैं, उनके कान बहरे हो जाते हैं, उनके पेन के स्याही है वो सूख जाता है, उनको दिखाई लिखने नहीं आता है ये सारा चीज, वो लोग कदापि नहीं लिखेंगे। भाई क्यों लिखेंगे वो? क्यों लिखेंगे फाइनल में सूर्य कुमार यादव ने क्या अच्छा खेला? अरे अच्छा नहीं खेला तो कैसे BCCI उनको कैप्टन बना देती है? सवाल यहाँ है ना, T20 के लायक सही है। अरे भाई वनडे के लायक है तभी तो टीम में रखा गया, ये भी तो बात देखिए, जिस आदमी को दिया गया पहली बार लेकिन उस मौका पे फेल हो गए। ये उनके जैसे तो और बहुत सारे ऐसे बल्लेबाज है जो फेल हो गए, शुभनम गिल का नाम नहीं लीजिएगा आप उस हिसाब से। और भी अभी क्या बोले, गौतम गंभीर ने क्या बोला, गौतम गंभीर जैसे फाइनल हुआ उसके बाद गौतम गंभीर का कहना है कि अगर सूर्य कुमार यादव को 7 नंबर पे लाया गया, जडेजा के बाद लाया गया, अगर जडेजा से पहले अगर सूर्य कुमार यादव को खिलाया जाता तो
सूर्य कुमार यादव के माइंड में ये बातें रहते कि हमारे बाद एक आदमी है खेलने लायक, लेकिन सूर्य कुमार यादव के बाद में कोई व्यक्ति था खेलने लायक, सारा लोग बॉलर था। तभी तो उनको उतारा गया कि वो जब खेल पाएंगे। आप लास्ट में लेके आइएगा तो कैसे बढ़िया खेलेंगे भाई, जब सारा विकेट ढह रहा है, वैसे सिचुएशन में आप लेकर के आ रहे हैं डैमेज कंट्रोल करने के लिए। डैमेज कंट्रोल करने के लिए कोई आदमी आएगा तो क्या वो 200 के स्ट्राइक रेट से खेल लेगा क्या? आप ही बताइए ना, आपकी स्थिति ऐसी हो गई थी कि आपका कोई प्लेयर नहीं चल रहा है। एक ऐसा प्लेयर, दो ऐसा प्लेयर, एक रोहित शर्मा को छोड़ दिया जाए और मोहम्मद सिराज को छोड़ दिया जाए तो किसी का भी स्ट्राइक रेट 100 से ज्यादा नहीं है, सबका स्ट्राइक रेट 100 से नीचे है। इवन कोहली का भी स्ट्राइक रेट देखिएगा तो नीचे है, शुभमन गिल का स्ट्राइक रेट देखिएगा तो नीचे है, केएल राहुल का अगर स्ट्राइक रेट देखिएगा तो वो भी नीचे है, तो बॉल भी बर्बाद कर दी। सबका वही हाल था। तो आप एक आदमी को कैसे जज कीजिएगा? जो आदमी 7 नंबर 6 नंबर पे आएगा आप उससे एक्सपेक्टेशन लगा रहे हैं कि ये अच्छा नहीं खेल रहे, आपने मौका कितना दिया? 100 गेंद खेले आप, 11 मैच का बात उठा करके देखिएगा तो 105 गेंद खेले, 105 गेंद में 106 रन मारना क्या कम है क्या? ठीक है, लेकिन उस दिन का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, उससे अच्छा ईशान किशन रहते। सवाल जोन उठा रहा है, ईशान किशन रहते तो उससे अच्छा खेलते। तो ये आप तो उस हिसाब से कहिएगा तो फिर और लोगों को बुला लीजिए, फिर आप पुराने लोगों को बुला लीजिए। आप तो कपिल देव को नहीं बुलाते हैं खेलने के लिए, देखने के लिए कपिल देव को इनवाइट नहीं करते हैं, जो पुराने पुराने लोग हैं उनको इनवाइट नहीं करते हैं। तो जो सारा लोग बैठा हुआ है, सबसे बड़ा सवाल है कि ये सवाल कौन उठा रहा है? ये मीडिया उठा रहा है। कौन मीडिया उठा रहा है? वही मीडिया जब ये कैप्टन बनते हैं तो मात्र 2 मीडिया पहुंचता है, ANI और PTI को छोड़ दिया जाए तो कोई भी मीडिया सूर्य कुमार यादव के पास नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि ये यादव कम्युनिटी से नहीं, ये बैकवर्ड कम्युनिटी के है। उनका माइक हो सकता है कि अछूत हो जाए, अगर इनके टेबल पर रखा जाएगा तो उनका माइक अछूत हो जाएगा, इसलिए इनके टेबल पर कम्युनिटी से तो कुलदीप यादव भी आते, तो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं तो उनके लिए सब कुछ ठीक नहीं था ना जी, उनको भी तो ट्रोल किया जाता है। अगर कुलदीप यादव, समी सिराज सब तो बैकवर्ड, हाँ सबको ही है, तो सबको ही अपने आप को साबित कर रहा है। सूर्य कुमार यादव भी अपने आप को साबित कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि इनको मौका लास्ट में मिलता है, 7 नंबर पे मिलता है, अगर इनकी दायरा को बढ़ाया जाए, इनको 4 नंबर 3 नंबर पे लाया जाए तो ये अच्छा खेल सकते हैं। आप मौका ही नहीं दे रहे हैं। ODI में देख लीजिए 42 गेंद खेल करके, T20 में देख लीजिए 41 गेंद 42 गेंद खेल करके कोई आदमी 80 रन मार रहा है, 200 के स्ट्राइक रेट से 190 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा है, तो ये कम बातें हैं क्या? इसलिए ना कहा जा रहा है कि T20 के लायक है। तो T20 वनडे के लायक नहीं है, वनडे के लायक नहीं है तो 105 गेंद में 106 रन कहां से आया? अब बताइए ना, 100 के स्ट्राइक रेट से ज्यादा कोई बल्लेबाज खेलता है तो क्या कहा जाता है कि बढ़िया है? आप इनको गेंद खेलने नहीं दे रहे हैं, आप इनको 6 नंबर पे लाइएगा और उसके बाद कहिएगा कि भाई सूर्य कुमार यादव ODI के लायक नहीं है, T20 के लायक है। आपके पास क्या तराजू है कि आप इस तरह से कह रहे हैं? KL राहुल को देखिए, शुभमन गिल को देखिए, ये लोग भी तो है भाई, ये लोग का कौन सा बेहतर परफॉर्मेंस रहा है, कितना परफॉर्मेंस रहा है? इनको अच्छा मौका मिलता है, 2 नंबर 3 नंबर पे ये आते हैं और उसके बाद भी बहुत ज्यादा रन नहीं बना पाते। रोहित शर्मा रहते कैप्टन तो और अच्छा खेलते, रोहित शर्मा उनका रहता थी कैप्टन रहते और वो संभालते तो और अच्छा होता कह रहे हैं सब। ना ऐसा बात नहीं है कि रोहित शर्मा के जगह पर अगर सूर्य कुमार यादव रहते तो बहुत अच्छा खेल लेते, ऐसा बात नहीं है, लेकिन हम ये बातें कह रहे हैं कि अगर इनको और पहले लाया जाता है तो सब कुछ सही हो जाता। ODI को छोड़ दीजिए, T20 में देख लीजिए, भारत का सबसे खतरनाक बल्लेबाज में, यहाँ तक कि जो रिकी पोंटिंग है और ग्लेन मैक्सवेल है, वे लोग भी कहते हैं कि हाँ इंडिया में अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत अच्छा खेलता है तो उसका नाम सूर्य कुमार। क्या हो गया कि सूर्य कुमार यादव सबको ही नहीं झेल पाता है भाई? प्रेशर का बात है, सबसे बड़ा बात है कि प्रेशर इन लोगों के ऊपर में बहुत ज्यादा था, वैसी सिचुएशन थी और देश के प्रधानमंत्री वहां पर बैठे थे, इनको पहले जाना चाहिए था। अगर टेस्ट में अगर बच्चा पास कर जाए और फाइनल में जाकर फेल कर जाए तो उसको फेल ही ना कहा जाएगा। बात सही है, आपका बात मान लेते हैं, क्या 10 मैच खेला इंडिया, 10 मैच जीता ना, तो उसको आप कम आंकिएगा, फाइनल में फेल हो गया मान लेते हैं, लेकिन ये भी तो देखिए कि हमारे टीम के जो लोग हैं, हमारे टीम के जो क्रिकेटर हैं, ये सारे लोग बहुत अच्छा खेले, 10 मैच में एक भी मैच नहीं हारे, लास्ट के एक मैच में हार गए, पिच खराब था, इसको आप जवाबदेही नहीं कहिएगा। ये अमित शाह के बेटा जय शाह को नहीं दिखाई दिया कि आप अहमदाबाद स्टेडियम में क्यों मैच खिलाए, जब जान रहे थे कि पिच धीरा है और उसके बाद पिच स्लो होने के बाद में आप बड़ा स्टेडियम बना रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन आप हो सकता है, बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पे ये भी बात लिख रहा था कि जो आदमी रेल बेच सकता है, भेल बेच सकता है, सेल बेच सकता है, देश का सारा संपत्ति बेच सकता है, स्टेशन प्लेटफॉर्म और निजीकरण सारा कुछ कर रहा हो, तो हो सकता है कि हमारे वो जो वर्ल्ड कप का कप है उसे भी बेच दिया हो, ये भी बातें कह रहा है। मतलब आपको लगता है कि ऑस्ट्रेलिया से भी गए मोदी जी? हम नहीं कह रहे हैं, ये सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख रहा है लो, बहुत बड़े बड़े लोग। मोदी जी का इतना दिन गिर गया कि ऑस्ट्रेलिया उसको उनको खरीद लिया। 10 के 10 मैच इंडिया जीत गया, मोदी जी गए थे, आप पत्रकार है ना,
मीडिया गए मतलब मोदी जी गए थे वहाँ पे? नहीं गए थे, लास्ट वाले में गए थे। इनको पहले जाना चाहिए था, जब इनके जहाँ से ये मुख्यमंत्री रहे हैं अहमदाबाद गुजरात में मुख्यमंत्री रहे हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं, इस देश ने इस बार ये सारा कुछ किया था कि हमारे ही देश में होगा, तो ऐसे सिचुएशन में मोदी जी को एक बार नहीं जाना चाहिए था? जा करके पहले ही मिल लेते, हाँ सेटिंग कर लेते। जब ये सारा कर्नाटक और महाराष्ट्र और बिहार सारा जगह पर सेटिंग करने में माहिर रहते हैं, इनके अमित शाह उनके बेटा सारा लोग माहिर रहता है, तो ये पहले ही सेटिंग कर लेते, क्या दिक्कत था? कर लेने में क्या जा रहा था इनको? आप कह रहे हैं कि पिच खराब था, उसी पिच में तो ऑस्ट्रेलिया भी खेला। बात सही है, बाद में खेला उन्होंने अच्छा से खेला, वो पहले ही बोल दिए थे। ये धरम वरम जो ये लोग पीछे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे ना, असली वजह वही है, जो पीछे से जय श्री राम का नारा लगा रहे थे वो आदमी पहले बोल दिया था, क्योंकि वो 13 बार वर्ल्ड कप हुआ, 13 बार में 6 बार ऑस्ट्रेलिया जीता है, यानी आधा बार जो जीता है उसके पास ये ताकत है। और उसे ऐसे ही नहीं कहा जाता है कंगारू, और ऐसे ही नहीं कहा जाता कि चैंपियन टीम है, उसके सामने में जो भी रहा है आज तक, वो 7 बार वर्ल्ड कप में गया है फाइनल में और 7 बार में 6 बार जीता हुआ टीम है, तो इतना आसान टीम नहीं है। वो ऐसे ही नहीं बोल दिया कि हम इन सारे दर्शकों का मुँह बंद करके जाएंगे, और बंद करके गया। और एक बात कहा जाता है ना कि कामयाबी पैरों के नीचे होती है, उन्होंने साबित कर दिया कि देखिए कामयाबी जो होती है ना, अगर आप मेहनत कीजिएगा तो आपकी कामयाबी आपके पैरों के नीचे होगी, हमारे इंडियन टीम की तरह नहीं कि जैसे ही मैच हारे तो आप उसके नक्शे निकालने लगे, नुक्शे निकालने लगे कि ये गलत किया, ये मैच हारा, ये किया। आप अपने आप पे मेहनत नहीं कर रहे हैं, जाहिर सी बात है हमारे टीम के प्लेयर अपने आप पे मेहनत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी उनको डकोसा जाता है, उनको कहा जाता है कि आप गलत कर रहे हैं।